हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर संतोष फ्रॉम न्यूरो थेरेपी क्लिनिक कोलकाता। टुडे वी हैव अवर पेशेंट, इज अवर ओल्ड पेशेंट। वी ऑलरेडी ऑपरेटेड फॉर हिम लाइक 4500 ग्राफ ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक साल पहले किया था। यू कैन ऑलरेडी सी ही इज लाइक ऑलमोस्ट ग्रेड 6 स्पाइनलेस था एट दैट टाइम। द डोनर एरिया जहाँ से हम लोगों ने ग्राफ किया, वी थॉट कि अगर आप ये इसके देखोगे तो दिस इज द फ्रंट पिक्चर, यू कैन सी दिस इज द क्राउन विच इज ऑलरेडी एम्प्टी, ऑलमोस्ट ग्रेड 6 स्पाइनल था। रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्राफ्ट इज ह्यूज, लाइक 5000 प्लस, बट वी एक्सेक्ट ऑलमोस्ट लाइक 4400 एंड देन वी इम्प्लांटेड हियर विद द गुड डेंसिटी। नाउ आफ्टर दैट वी कीप हिम ऑन सर्टेन मेडिकेशन सो दैट क्राउन पार्ट में जो उनका बाल्डनेस ऑलरेडी है, जो हम लोगों ने ट्रांसप्लांट किया कवर नहीं किया था, वहाँ कुछ डेंसिटी आ सकता है। और वी कैन प्लान द सेकेंड ट्रांसप्लांट ऑफ द गुड रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वन जो हम लोग कर सकते। सो नाउ यू कैन सी हिज रिजल्ट आफ्टर ऑलमोस्ट कितना, एक साल हो गया। एक साल के बाद द फ्रंट का आप रिजल्ट देख सकते हो, एब्सोल्यूट फाइन रिजल्ट है, सब कुछ अच्छा है। नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द सेकेंड ट्रांसप्लांट फॉर हिज क्राउन पार्ट। सो यू कैन सी, अभी देखिए क्राउन पार्ट, यू कैन सी दिस पार्ट, वी आर प्लानिंग इट टूडे। अप्रॉक्सीमेटली लाइक 1500 to 1600 ग्राफ रिक्वायर्ड क्राउन पार्ट, जहाँ हम लोग डबल ट्रिपल लेके अच्छा एक वॉल्यूम डेंसिटी दे सकते हैं। एंड यू कैन सी द प्रीवियस वन, दिस इज द ह्यूज क्राउन पार्ट, यू कैन सी दिस वन। सो रेस्ट ऑफ द हेयर यू कैन सी हेयर, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट। ओके, सो नाउ दैट टाइम जब ग्राफ था वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता था क्राउन के लिए। अभी अगर आप देखोगे बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन एंड प्रॉपर केयर, अभी ग्राफ पूरा कम लग। So, whenever we are doing the hair transplant, patience is very important, right? Baldness process to ek ya do din mein nahi hota hai. As long as like 4 to 5 years mein inka grade 6 baldness hua. Then we perform the surgery of first. Then after 1 year, we are going for the second one. So, hopefully you understand whenever we are covering the part with the help of your donor area, there are limitations. We cannot pull out maximum graft at one sitting. And we cannot perform all the surgery with the best density in each and every patient. ऐसा नहीं किसी किसी patient में possible भी होता है, but अगर donor area limited होता है, we have to wait. नहीं, wait करना बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी होता है, so that we can fulfill the dream of the patient. So that's the wise use of the donor area. And patient we like wait करते हैं अच्छा result आने के बाद second. So we do not have to hamper. হাই, আমি কলকাতা থেকে আসছি। আমার এটা সেকেন্ড সার্জারি, ফার্স্ট সার্জারি হয়ে গেছিলো 2023 নভেম্বরে, 6 নভেম্বরে। আমার গ্রেড 6 to 7 ব্লাড বাল্ডনেস ছিল, তো আমার রিকোয়ারমেন্ট ছিল 7000 গ্রাফ, কিন্তু ডক্টর আমায় বলেন যে এটা একেবারে করা তোমার জন্য ঠিক হবে না, তাই জন্য এটা দুটো সেশানে করো। তো এটা আজকে আমি আমার সেকেন্ড সেশানটা কমপ্লিট করলাম ক্রাউনটা। ফার্স্টে আমার 4500 গ্রাফ লেগেছিলো, তো আমি আবার 2500 মতন গ্রাফ ক্রাউনে লাগালাম। তো কালকে আমার অপারেশন গেছে, আমি ভালোই আছি আর সব কিছু ঠিকঠাকই গেছে আমার জার্নি। তখন হোপফুল একটা ভালো রেজাল্ট আশা করছি।